सात यानी 7 जुलाई 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 7 जुलाई 2022 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, कर्मों की मशीनरी भी तेज होती जा रही है। हर एक के कर्म उनके आंखों के सामने, उनके व्यक्तिगत जीवन में फल स्वरूप न चाहते हुए भी आ रहे हैं। तो कोई प्राप्ति की लाइन में खड़ा है, तो कोई पश्चाताप की लाइन में खड़ा है। जितने बाबा के बच्चे नंबरवार पवित्रता की डिग्री को हासिल करते हैं, जितनी पवित्रता की परसेंटेज बढ़ते जाती है, उतना अपवित्रता का एहसास होने लगता है। इसको बाबा ने मुरली में कहा है कि जितना वस्त्र स्वच्छ होता है, तो छोटा सा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। मेरे पास काफी भाई बहने आते हैं जो स्वयं से असंतुष्ट है, या दूसरों से असंतुष्ट है, या ड्रामा से असंतुष्ट है, या कभी कभी बाप से और बाप के ज्ञान से भी असंतुष्ट है, नाराज है, डिस्टर्ब है। और निराश भी है। अभी इसमें क्या किया जाए? क्योंकि हर एक की अवस्था छिप नहीं सकती है, हर एक की अवस्था प्रत्यक्ष है। कितना चाहे तो भी कोई छिपा नहीं सकता है। अगर छिपा है तो भी अल्पकाल के लिए छिपेगा। हर आत्मा नंबरवार विश्व की स्टेज पर आते जाएगी। यही सत्यता की शक्ति है। आज की मुरली में हम कुछ वैल्यूज के ऊपर, अगर समय मिला तो जाएंगे, जिसमें सत्यता और विश्वास और ऑनेस्टी, ये तीन वैल्यूज वरदान में आए हैं, और साथ में शांति और पवित्रता की वैल्यूज भी है। वैल्यूज मेक्स अवर लाइफ वैल्यूएबल। जितने हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होगी, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। वैल्यूज मेक्स अवर लाइफ वैल्यूएबल। श्री लक्ष्मी नारायण, आज भी उनकी पूजा होती है। श्री राधे कृष्ण, क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ देयर वैल्यूज, दिव्य गुणों से भरपूर देवताएं। तो हमारे भी वैल्यू उतनी ही परसेंटेज में बढ़ेंगी जितने दिव्य गुण हमारे में धारण होंगे। कल हम महाराष्ट्र में कोल्हापुर में थे, तो 2 दिन कोल्हापुर महाराष्ट्र में प्रोग्राम हुए डॉक्टर्स के।
वहां पे जो निमित्त आत्मा है उन्होंने बहुत अच्छी बात ऐसे ही चर्चा में सुनाई जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, तो आपके सामने रख रहे हैं कि माया जो है कैसे भी करके हमारी वैल्यूज को ही छीनने की कोशिश करते हैं। जो बेसिक 7 क्वालिटीज ऑफ द सोल है उनका भी कनेक्शन है, हम सब जानते हैं। ज्ञान के आधार पर पवित्रता है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। और जहाँ ज्ञान पवित्रता सुख शांति है वहाँ प्रेम और आनंद अपने आप आ जाते हैं, और ये 6 गुण जहाँ होते हैं वहाँ शक्ति स्वरूप अवस्था रहते हैं। तो माया क्या करती है, ऐसे पेपर सामने लेकर आती है ड्रामा प्लान अनुसार कि इन 7 गुणों को छोड़ना पड़ता है। तो कैसे भी करके वो आत्मा ने सुनाया कि मैं अटेंशन रखती हूँ कि कैसे भी करके 7 गुणों को नहीं मुझे छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दैट्स व्हाट इस पुरुषार्थ इज ऑल अबाउट, कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने गुणों को छोड़ना नहीं है। या जिसको बाबा के महावाक्य है कि ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे नहीं आना है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आया माना विकर्म हो गया, फिर उसका फल आएगा, फिर वो दुष्चक्र चालू हो जाएगा कि मैं चाहता नहीं हूं लेकिन फिर भी हो जाता है। ज्ञान के सागर निराकार शिव बाबा की कमाल है कि कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी इजी करके समझाता है। आज बाबा ने कहा कि मैं ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों और उपनिषदों का सार समझाते हैं, और कितना सरल करके बताते हैं। बाबा का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे, ब्राह्मणों को भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि बाबा क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट रखता है, फर्क रखता है। जब आपके सामने दो चीजें रखी गई है, एक अच्छी और एक खराब, और आपका लक्ष्य है श्रेष्ठ जीवन जीने का, तो अच्छी चीज स्वीकार करना बहुत सरल हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में यही बात लिखी है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों के शब्द भी कई बार सुंदर होते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप में बहुत प्रिय है ये दो शब्द। एक शब्द है श्रेयस, श्रेय, और एक है प्रिय। श्रेय माना श्रेष्ठ और प्रिय माना जो मुझे पसंद है ना। तो जरूरी नहीं जो प्रिय है वो श्रेष्ठ ही हो, तो हमेशा श्रेय को स्थान देना चाहिए, प्रिय को नहीं। अभी डायबिटीज वाले मरीज हैं, उनको गुलाब जामुन प्रिय है, क्योंकि गुलाब जामुन खाने से अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन गुलाब जामुन खाने से शुगर की लेवल भी बढ़ती है। तो प्रिय है लेकिन श्रेय नहीं है वो। तो श्रेयस और प्रेयस ऐसे दो विचार भक्ति मार्ग में दिए हुए हैं। फिर अल्पकाल का सुख लेने जाएंगे तो आगे सदा काल का दुख मिलेगा। जैसे इस समय काम विकार प्रिय है, बाबा इसको कहते हैं काम की अग्नि लगी हुई है सब जगह पे, तो प्रिय है। क्यों प्रिय है, क्योंकि अल्पकाल का सुख देता है। किसी ने कहा है कि ये 2 मिनट का सुख और 23 घंटा और 58 मिनट का दुख क्या चाहिए, तो चॉइस बहुत इजी है, 2 मिनट का सुख चाहिए या 23 घंटा 58 मिनट का सुख चाहिए। ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा जब कहता है कि बच्चे ये पॉइजन है, आदि मध्य अंत दुख देता है, हमने देखा है। रावण का ही उदाहरण ले लो, लौकिक जो कथा है, कितना श्रेष्ठ महाज्ञानी महाप्रतापी महाशक्तिशाली रावण, जो कि भले दैत्य कुल में लेकिन ब्राह्मण कहते थे उसको, शिव का भक्त था, लेकिन क्यों पतन हुआ, 2 कारणों से, एक काम विकार और अहंकार, किसी की एडवाइस नहीं सुनी।
तो आदि मध्य अंत को दुख पाया उसने, सभी रिश्तेदारों को गवाया, अपने बेटे को गवाया, अपनी प्रजा राजा सब गवा दिया। तो भगवान कहता है ये आदि मध्य अंत दुख देता है, इसलिए निर्णय शक्ति बहुत अच्छी चाहिए कि ये श्रेयस है ये प्रेयस है, मुझे एक चुनना है, मुझे हमेशा श्रेयस ही चुनना है। और इसीलिए बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि बच्चे कितनी सुंदर व्याख्या देती, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलना भी विकार है, क्योंकि आप दुख पाने वाले हैं, विकार माना जो दुख देते हैं, पता है ये गलत है। श्रीमद् भगवत गीता 3:36 मैं बड़े बड़े कंपनियों में ये श्लोक दिखाता हूँ, हालांकि संस्कृत में है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्जुन पूछता है भगवान से कि हे परमात्मा ऐसा क्यों है कि पता है ये गलत है फिर भी लोग वही करते हैं। और भगवान उवाच 37 काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणाम। इन सब की जड़ में रजोगुण से उत्पन्न काम है जो फिर क्रोध का रूप लेता है, और ये महाभक्षी है, कभी संतुष्ट नहीं होता। काम विकार कभी भी संतुष्ट नहीं है, इसकी अग्नि भड़कते ही जाती है। शास्त्रों में ऐसा गायन है राजाओं का जो काम विकार में सालों साल लगे रहे फिर भी तृप्त नहीं हुए, तो ये महाभक्षी है और महापापी है। इसको तुम नित्य वैरी जानो, ऐसे लौकिक भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, नित्य वैरी माना हर क्षण का वैरी है। इसलिए बुद्ध ने भी इसको कहा, हालांकि वो परमात्मा को मानते नहीं, लेकिन उन्होंने कहा डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, इच्छा ही दुख का कारण है। क्योंकि काम विकार माना कामनाएं, काम माना हर क्षण, काम विकार शरीर का संबंध नहीं, कामनाएं। कामनाएं मनुष्य की मन बुद्धि को भटकाती है। अभी निर्णय कैसे लेना है उसी बात को लेते, तो आज की मुरली में बाबा ने 13 जोड़िया बताई है। पहली जोड़िया ये निश्चय और संशय, दूसरी जोड़ी है खुशी और गम, तीसरी है बेसमझ और समझदार, चौथी है गुलाम और मालिक, पांचवी है राइटियस और अनराइटियस, छठी है राम राज्य और रावण राज्य, सातवीं झूठी दुनिया सच्ची दुनिया, आठवीं पुरानी दुनिया नई दुनिया, नवीं भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी, फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध की जोड़ी है, फिर गति सदगति की जोड़ी है, फिर लिबरेशन एंड बॉन्डेज की जोड़ी है, सुखदाम और दुखदाम की जोड़ी है। तो इतनी सारी जोड़ियां क्यों? ये बाबा के लिए तो नेचुरल है, बाबा ऐसे मुरली चलाता है जैसे हमसे बात कर रहा है, फेस टू फेस बात कर रहा है, और बातों ही बातों में पूरा शास्त्रों का सार समझा देता है, इतना सरल तरीके से समझाता है। अभी मुझे पूछा गया कि इसमें से क्या चुनना है, तो भ्रष्टाचार चुनेंगे श्रेष्ठाचार, तो इट शुड बी अ ऑब्वियस डिसीजन। जीवन बंध चुनेंगे जीवन मुक्ति, इट शुड बी अ ऑब्वियस डिसीजन, है ना। बंधन चुनेंगे या मुक्ति चुनेंगे, बॉन्डेज और लिबरेशन, इट शुड बी ऑब्वियस डिसीजन। सहज होना चाहिए निर्णय, दुखदाम या सुखदाम, खुशी या गम, समझ या बेसमझ, गुलाम बनना या मालिक बनना है। पर कमाल माया की है, सचमुच में वंडर लगता है कि बाबा के बच्चे स्पेशली जो रोज मुरली सुनते हैं उनको कर्मों की गहन गति पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उस समय माया का ऐसा पर्दा गिरा हुआ रहता है बुद्धि के ऊपर, क्या करते हैं समझ में नहीं आता। इसी को अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, इसलिए मुझे अर्जुन का प्रश्न जो द्वापर युग में लिखा गया आज भी वो उतना रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, कि बाबा के बच्चे ज्ञानी तू आत्मा होकर ऐसा कर्म क्यों करते हैं? तो एक ही जवाब है, माया का प्रेशर जो बुद्धि के ऊपर पड़ता है। मैं उदाहरण हमेशा डायबिटीज का इसलिए देता हूँ कि बाकी
आप इंद्रियों के पेपर को समझ सकते हैं कि थाली में गए शादी में, किसी के घर गए, थाली में आ गई जिलेबी, तो माया बोलती है खाओ खाओ बहुत अच्छा लगेगा, और बुद्धि कहती है मत खाओ मत खाओ, पिछली बार आपने खाना शुरुआत किया था आप रोक नहीं पाए थे, फिर शुगर बढ़ गया था, आपको ही तकलीफ हुई थी। तो माया क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करते हैं बुद्धि के ऊपर, क्योंकि माया को भी पता है जब तक बुद्धि कोऑपरेट नहीं करेगी, बुद्धि सहयोग नहीं देगी, तब तक कर्मेंद्रिया उसमें जंप नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियों को रोकने वाली बुद्धि है। बुद्धि जितनी शक्तिशाली होगी उतनी विजय होगी माया के ऊपर। तो बाबा यही बात कहता है मुरलियों में कि बच्चे मनसा में तूफान बहुत आएंगे, तो मनसा में तूफान आएंगे माना क्या, पुराने संस्कार बुद्धि के ऊपर प्रेशर डालेंगे, कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट, करो करो करो, और बुद्धि बोलेगी नए नथिंग नथिंग डूइंग, आप कुछ भी करो मैं हमेशा शिव बाबा के श्रीमत पर ही चलूंगी। बिल्कुल साक्षी हो के माया के प्रेशर को देखना है, डू नॉट गिव अप अंडर प्रेशर। अनफॉर्चुनेटली कुछ भाई बहने अंडर प्रेशर गिव अप कर देते हैं, तो हमेशा समझदारी की मोड में रहना है, समझदार। मुझे याद आ रहा है रिलीजियस विंग में हमने एक बार टॉपिक रखा था, समझ या सजा, या तो आप समझ में हैं या आप सजा भुगत रहे हैं, जब समझ नहीं है तब सजा है। तो बाबा जब मुरली में कोई पॉइंट सुनाने के बाद हमने देखा है अव्यक्त बाप दादा को, लास्ट में बाबा पूछता है बच्चे समझा, तो हमको बहुत गहराई से सोचना चाहिए क्योंकि बाबा ने बहुत डीप बात बताई हुई रहती है, समझा इसका मतलब अभी तक नहीं समझा, क्योंकि अगर समझे होते, अगर पूरी तरह से समझदार होते तो तुरंत फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, दैट इज द पावर ऑफ समझ, सेकंड में फुल स्टॉप, डिसीजन तुरंत होना चाहिए कि ये नॉट लगाना है इधर डॉट लगाना है, ये नहीं करना है इधर फुल स्टॉप, नॉट एंड डॉट, सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कितना सरल कर दिया है पुरुषार्थ, बच्चे कभी भी दुविधा हो ये करना है या नहीं करना है तुरंत याद करो ब्रह्मा बाबा को, कि ब्रह्मा बाबा होता तो क्या ये करता, क्या ब्रह्मा बाबा होता तो माफ नहीं करता, करता तो मैं भी माफ करूंगा, ब्रह्मा बाबा होता तो मर्यादा का उल्लंघन करता नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, ब्रह्मा बाबा होता तो क्या ये 1 रुपए की चोरी करता नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, ब्रह्मा बाबा होता तो क्या किसी बच्चे की निंदा करता नहीं करता तो मैं भी किसी बच्चे की निंदा नहीं करूंगा, ब्रह्मा बाबा होता तो बच्चों की विशेषता देखता है अवगुण तो विशेषता देखता तो मैं भी विशेषता ही देखूंगा, हर क्षण एवरी सेकेंड टैली करेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ, इट शुड बी वेरी ऑब्वियस डिसीजन, बहुत सहज होना चाहिए निर्णय लेना, लेकिन फिर भी लेकिन आ जाता है, अहो मम माया बहुत शक्तिशाली है, वंडर तो माया का ये है, मुझे तो कभी कभी सचमुच में हंसने को आता है, वंडर है माया का कि गलत कर रहे हैं और फिर अपने को सिद्ध भी कर रहे हैं कि कैसे मैंने किया वो ठीक किया, ये माया की जजमेंट है। बाबा ने उदाहरण दिया है वकील और जज का, है ना, बाबा कहता है कि वकील जैसे काला और सफेद कोट पहनता है ना, तो वो किसका प्रतीक है, झूठ और सच का, तो झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं कुछ वकील, है ना, ऐसे ही बाबा के बच्चे भी स्वयं को सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं कि कैसे मैं ही ठीक हूं और दूसरा गलत है, ये माया की जजमेंट पता ही नहीं चलती है। तो क्या किया जाए ऐसे समय पर, बाबा ने इसका टेस्ट दिया हुआ है, बाबा ने कहा ये आज का वरदान है बहुत डीप है, अगर आप सच हो, अगर आपके पास सत्यता की शक्ति है तो आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बाबा की स्पष्ट श्रीमत है,
इवन साइकोलॉजी में भी ऐसे कहते हैं कि डोंट डिफेंड योर सेल्फ अनलेस आस्क, क्योंकि डिफेंड करने में या स्वयं को सिद्ध करने में बहुत एनर्जी जाती है आत्मा की। आत्मा शांत नहीं रह सकती, हमेशा सिद्ध करती रहेगी कि कैसा मैं ठीक हूं, मैं राइट हूं और दूसरा रॉन्ग है। प्लीज अंडरस्टैंड, बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर कोई निमित्त आत्मा इशारा देती है तो इशारे को समझ जाओ। अगर इशारे के बाद भी आप अपने को सिद्ध करते हो तो भगवान वाच है कि अपने पाप को सिद्ध कर रहे हो। बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया हुआ है। तो कोई भी सिद्ध नहीं करना है, साइलेंस में रहना है। ड्रामा को इतनी शक्ति प्राप्त है कि सत्यता का सूरज कभी भी छिप नहीं सकता है। हमने अंग्रेजी का स्लोगन बहुत बार देखा है, वर्थ रिपीटिंग है, इफ यू आर राइट नो नीड टू गेट एंग्री एंड इफ यू आर रॉन्ग यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री। अगर आप सत्य है तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सत्य नहीं है तो आपको गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं है। इन बोथ द सिचुएशन, दोनों परिस्थितियों में शांत ही रहना है और यही सबसे भारी मंजिल है। हमने देखा है 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग श्रीमद् भगवद गीता का। मुझे बहुत खुशी होती है कई सारे बाबा के बच्चे बार बार श्रीमद् भगवद गीता के एपिसोड को सुन रहे हैं और बहुत अच्छे फीडबैक दे रहे हैं क्योंकि बेसिक क्लियर हो रहा है। 8वें अध्याय में 5वां श्लोक है, अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मन अंत काल में मेरी याद में जो शरीर छोड़ेगा कलेवरम वो मेरे पास ही आएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। और आज बाबा ने इसी बात को अंडरलाइन करके सबसे भारी मंजिल कहा है। तो समझ जाओ, अगर भगवान कह रहा है भारी तो डेफिनेटली भारी है। कोई भी याद ना आए, बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बाबा 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 ऐसे चलता रहे, अजपा जाप, मुख से बोलना नहीं है पर बाबा को साथ में अनुभव करना है। और सचमुच में अगर आप बाबा को साथ अनुभव करते हैं, जैसे कई बाबा के बच्चे कहते हैं हम तो हर वक्त बाबा की याद में रहते हैं, बाबा कहता है असंभव है, हर वक्त बाबा की याद में रहना मासी का घर नहीं है। बाबा की याद पारे मिसल है, पारा जैसे फिसल जाता है वैसे याद फिसल जाती है। जब नंबर 1 सोल कह रहा है भोजन करते वक्त कि शुरुआत में मैं खाता हूँ बाबा को याद करता हूँ, फिर अगले क्षण भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। तो अटेंशन रखना है, इट्स ऑल क्वेश्चन ऑफ अटेंशन। तो अंत काल में अगर हम चाहते हैं कि एक बाप के सिवा कोई याद नहीं आए तो बहुत अटेंशन रखना है। महाराष्ट्र में संत होके गए, जगत गुरु कहते हैं उनको, संत तुकाराम महाराज, उनका बहुत फेमस एक अभंग है, दोहा है, श्लोक है कि याच साठी केला उता अट्टहास, शेवट सा दिन गोड़ वावा। इसका मतलब यह है कि इसीलिए मैंने पूरा जीवन भर पुरुषार्थ किया कि अंतिम क्षण मेरा बहुत मीठा हो, माना परमात्मा के साथ मैं चला जाऊं। तो ऐसा वर्णन आता है कि उनको लेने के लिए पुष्पक विमान लेने को आया और वो परमात्मा के धाम पहुंच गए। तो शास्त्रों में भी इस बात को अंडरलाइन किया है, तो बाबा आज इसको फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं। और बाबा ने कहा कि क्यों बच्चे एक रस अवस्था में नहीं रह पाते, क्योंकि निश्चय नहीं है। सचमुच में इस शब्द की जितनी गहराई में जाओ उतना कम है, मेरे पास समय कम पड़ता है इसलिए मैं इसकी डायरेक्ट डिटेल में नहीं जाता हूँ। पूरा खेल जो है निश्चय का ही खेल है। कई बाबा के बच्चों को लगता है कि हम निश्चय बुद्धि है लेकिन होते नहीं है, क्योंकि निश्चय माना फुल स्टॉप, निश्चय माना इमीडिएट फुल स्टॉप, कभी क्यों क्या कैसे आएगा ही नहीं। निश्चय माना इमीडिएट फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन, एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द श्रीमत।
कभी ये प्रश्न नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये पुराने हो के ऐसा क्यों करते हैं वगैरह वगैरह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं। निश्चय माना फुल स्टॉप। और निश्चय में कमी जब आती है तब अवस्था ऊपर नीचे होती है, जिसको कहा कभी खुशी कभी गम। तो निश्चय को अपने पक्का करो, और निश्चय को पक्का करने के लिए एक ही पॉइंट जो मैं याद रखता हूँ, कौन कह रहा है। बस अगर हमको ये समझ में आ गया कि ये श्रीमत है सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, पतित पावन, जन्म मरण के चक्र से न्यारे, जिसका एक सेकंड के दर्शन के लिए लोगों ने कितने साल तपस्या की, राजाओं ने राजा ही छोड़ दी, उस पतित पावन परमात्मा की ये श्रीमत है, तो मैं डाउट कैसे ले सकता हूँ। या तो निश्चय है या तो संशय है। संशय कभी भी नहीं आना चाहिए, न खुद के ऊपर, न ब्राह्मण परिवार के ऊपर, न ड्रामा के ऊपर, न बाबा के ऊपर। ये चार बातों में निश्चय जिसका पक्का है, उसकी अवस्था एक रस अचल अड़ोल रहेगी। तो चेक करना चाहिए दिन भर में, स्पेशली जब भी कोई पेपर आता है, परिस्थिति आती है, क्या मेरा निश्चय पक्का है, क्या मेरा निश्चय पक्का है या मेरा निश्चय डामाडोल हो रहा है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे ही स्वयं को और अन्य आत्माओं को रावण की जंजीरों से मुक्त करेंगे। कमाल रावण और माया का है कि जंजीर में बंधे हुए ये भी पता नहीं है। वो समझते हैं कि हम तो कर्तव्य निभा रहे हैं। कर्तव्य निभाना और जंजीर में फर्क है। अगर किसी देहदारी में मोह है तो भले आपको लगता है कि आप कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन वह जंजीर है। लौकिक में भी कहते हैं कि परमात्म प्यार और देहदारी के प्यार में क्या फर्क है, तो देहदारी का प्यार उड़ता पंछी बनाता है, सॉरी देहदारी का प्यार पिंजड़े वाला पंछी बनाता है, और परमात्म प्यार उड़ता पंछी बनाता है। तो चेक करना चाहिए, अगर मुझे डिटैच होने में टाइम लग रहा है तो समझने का कहीं ना कहीं मैं अटैच हूँ। या तो व्यक्ति और वस्तु, ये दो ही चीजें हैं जो मुझे उड़ने नहीं देते। तो जंजीरों से मुक्त करना ये भी बहुत ऊंची अवस्था है, जीवन मुक्ति, जो कल भी मुरली में आया था अष्टावक्र गीता की बात। और जैसे जैसे बाबा से सुख लेना चालू करेंगे ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे, उनको बाकी कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा, बस मुरली और बाबा की सेवा, सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए एक दो को सावधान करते हुए चलेंगे, अटेंशन प्लीज, 2 मिनट विश्वास और सत्यता। आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों का विश्वास जा रहा है, ट्रस्ट नहीं रहा है, क्योंकि धोखा मिल रहा है रिलेशनशिप में, ऑनेस्ट नहीं रहे लोग, ईमानदार नहीं रहे। हम तो जब ये सेशन लेते हैं ऑनेस्टी के ऊपर, तो हम सुनाते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं 99% ऑनेस्ट हूँ, केवल 1% डिसऑनेस्ट हूँ, 99% ईमानदार हूँ, केवल 1% बेईमान हूँ, तो उसको भी ईमानदार नहीं कहेंगे। तो दोनों की ऑनेस्टी चाहिए, दिल भी ऑनेस्ट चाहिए और दिमाग भी ऑनेस्ट चाहिए। उसके ऊपर ऑटोमेटिकली शिव बाबा का, परिवार का दिल से प्यार और विश्वास होता है, जो छिपाते हैं, कई सारे छिपाते हैं और उनको लगता है कि किसको पता नहीं चलेगा हमने छिपाया है। रॉन्ग। जब साइंस की मशीन ये बता देती है लाई डिटेक्टर कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो ईश्वरीय मशीनरी तो उससे भी तेज है, आप छिप नहीं सकते। इसलिए समझदारी इसमें ही है कि सत्यता की शक्ति को धारण करें। सबके स्नेही अपने आप बन जाते हैं, विश्वास के पात्र बन जाते हैं, और वो हमेशा सिद्धि स्वरूप अवस्था में रहेंगे, और उनके पास ऑटोमेटिकली शांति और पवित्रता का खजाना आएगा, और यही बाबा के बच्चे सबसे अधिक धनवान बनेंगे।
कुछ बाबा के बच्चे अभ्यास करते, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अंदर से आपको फीलिंग आएगी। जितना निश्चय पक्का बाबा की याद में निरंतर रहेंगे, उतना अंदर से ये थॉट आते जाएंगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, जीवन मुक्त हूँ, एक रस अचल अडोल, शांति और पवित्रता के खजानों से संपन्न हूँ। आज 7 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, बहुत काल का अभ्यास होने के कारण अपने आप शरीर बिल्कुल रिलैक्स, मन शांत, ध्यान दो आंखों के बीच में महसूस करेंगे कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, अपने अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। बाबा से निरंतर ज्ञान गुण और शक्तियों का प्रवाह मेरे अंदर आ रहा है और मैं उसे स्वीकार कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान बाप से, जो सर्वशक्ति आ रही है, उसे मेरी सभी जंजीरें कट चुकी है, मैं जंजीरों से मुक्त, दुखों से मुक्त, सुख स्वरूप अवस्था में हूँ। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, हर वक्त बाबा की छत्र छाया में हूँ। मेरा निश्चय पक्का है कि मैं वही कल्प पहले वाली महान आत्मा हूँ, और ये वही शिव बाबा है, और ये वही श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है। निश्चय की वजह से मेरी विजय भी पक्की है। सत्यता की शक्ति से मैं भरपूर होने के कारण मेरे दिल और दिमाग में ऑनेस्टी है, मैं कोई भी बात छिपाता नहीं, इसलिए बाप का और परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास मेरे ऊपर है। मैं सबका स्नेही हूँ, सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे अधिक धनवान हूं मैं, क्योंकि बाबा ने शांति और पवित्रता के खजानों से मुझे संपन्न कर दिया। इसीलिए मैं सिद्धि स्वरूप अवस्था का अनुभव कर रहा हूँ। मैं जो संकल्प करता हूँ, बाप उसे पूरा कर देता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। मैं अचल और अडोल, निरंतर प्रसन्न आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे कि बच्चे, तुम निश्चय बुद्धि हो, तुमने कल्प कल्प बाप की श्रीमत पर चलकर सभी को रावण की जंजीरों से लिबरेट किया है। निश्चय पक्का होने के कारण तुम सदैव अचल अडोल रहते हो। तुम एक बाप से ही सुनते हो और बाकी सब सुनावा तुम भूल चुके हो। एक दूसरे को सावधान करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर सत्यता की महान शक्ति है।
सत्यता की हिम्मत से तुम सभी के विश्वास पात्र बने हो, परिवार के स्नेही हो। तुमने अपने आप को शांति और पवित्रता के खजाने से भरपूर कर दिया। तुम सिद्धि स्वरूप हो, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ विश्व का कल्याण करो। बाबा से दृष्टि लेते, वरदान लेते, मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया अच्छा। ओम शांति।